दिखाने के लिए चंद यान यान जो है तीन जो है छोड़ा गया है 14 जुलाई 2023 को, और मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके बच्चों को समझाने के लिए दिखाने के लिए इसरो द्वारा चांद पर छोड़ा गया यान है, जो वहां की खोजबीन करने के लिए बच्चों दिखाने के लिए एक यान को छोड़ा गया है। तो ये चंद्रयान देखिए मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, और इसी को दिखाने के लिए मैंने एक बॉटल लिया, बॉटल को ही काट के मैंने इसको काट के ही यहाँ पे कागज को लगा के मैंने इसको बनाया है, और यहाँ पे इसको रुई लगा दिया है। और इसको दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है, इसको देखिए, ये यान देखिए बच्चों कैसे, इसको देखिए यहाँ पे जो है ये यान को इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, इसको छोड़ने के लिए बनाने के लिए मैंने, देखिए कैसे काम करता है, ये यहाँ से इसको छोड़ा गया, लॉन्च हुआ धुएं के साथ ये उड़ता है, ऐसे ही बॉटल को काट के मैंने यहाँ पे उपयोग किया है, धूप धुआं को दिखाने के लिए मैंने धूप का उपयोग किया है, धूप और इसको बॉटल के जो ढक्कन था जो मैंने काटा था उसको उपयोग करके चंद्रयान को बच्चों को दिखाने के लिए कि रॉकेट कैसे काम करता है, इसको पहले यहाँ पे रखा गया, फिर इसको प्रयोग करके इसको छोड़ा गया। देखिए जब ये छूटता है ये देखिए कैसे ये आगे धुआं को छोड़ते हुए कैसे ये आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके ये आकाश में उड़ के ये अपने यान जो है चांद पे जाके और इसका खोजबीन करके भेजेगा। इसको बनाया गया है चंद्रयान 3 को, किसको बनाया गया है, देखिए रॉकेट को मैंने बनाया बच्चों को समझाने के लिए कबाड़ से जुगाड़ करके, घर में सबके बॉटल रहता है ना, इसी को काट के और इसका ढक्कन देखिए इसको निकाल के इसको यहाँ पे उपयोग किया है, यहाँ पे धुआं को दिखाने के लिए मैंने इसको बनाया है। यह यान कैसे उड़ते हुए आकाश में ये जाता है और ऊपर ये काम करता है। तो इसी चंद्रयान को बनाने के लिए बच्चों को समझाने के लिए बॉटल को इसमें जो है काट के इसको कागज को लगा के मैंने इसको बनाया। तो भाई देखा अच्छा लगा आपको यार।